स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। माया कभी तो ऐसे मरने वाली होती है, कभी वैसे मरने वाली होती है, लेकिन अब लगता है फाइनली माया इसी तरह मरेगी। जी हाँ दोस्तों, अब की बार जो प्रोमो चल रहा है उसमें दिखाया जा रहा है माया जब अनुपमा को मारने की कोशिश करती है, अनुपमा बच जाती है। उसको तो बचना ही था। इस बात का माया को बहुत दुख होता है कि उसने अनुपमा को मारने तक की कोशिश की, इसलिए वो अनुपमा से माफी मांगती है। अनुपमा के पैरों में गिरकर वो कहती है, अनुपमा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने इतनी नीच हरकत की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अनुपमा से इस बात की माफी मांगती है। अनुपमा को समझ नहीं आता कि ये भी कहीं माया की कोई चाल तो नहीं, लेकिन फिर भी दोनों अनुज और अनुपमा माया को उठाते हैं। अनुपमा से बात करते करते माया को अचानक से खांसी आ जाती है। अनुपमा हमेशा की तरह अच्छे होने की वजह से माया से कहती है, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। और वो जैसे ही जाती है वो नहीं देखती, लेकिन सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। माया देख लेती है कि ट्रक आ रहा है और वो देख लेती है कि अनुपमा की जान को खतरा है। ये देखकर माया के अंदर की अच्छी वाली माया जाग जाती है और वो अनुपमा की जान बचाने के लिए वहाँ पर चली जाती है। अनुपमा को सामने धक्का दे देती है और ट्रक खुद माया को उड़ा देता है। अनुपमा सीधा अनुज की बाहों में आकर गिरती है और जोर से चिल्लाती है, माया, क्योंकि माया नीचे गिर चुकी होती है। माया का एक्सीडेंट हो गया होता है। अनुज अनुपमा दोनों को एक पल के लिए यकीन नहीं होता कि अचानक से ये क्या हो गया। क्या माया सच में अब उनकी जिंदगी से जा चुकी है? अनुपमा चाहे कैसी भी हो, लेकिन इस तरह वो किसी को भी अपनी जिंदगी से हटाना नहीं चाहेगी। क्या सच में अब शो से माया की एग्जिट हो जाएगी? क्या माया अब सच में अनुपमा और अनुज की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको हर अपडेट हम यहाँ देते रहेंगे।